नमस्कार, मैं हूं हिमाश्री। कुक विद हिमाश्री में आपका स्वागत है। आज मैं आपको काजू कतली जैसी महंगी मिठाई, जिसे कि मैं मात्र 15 से 20 काजू के इस्तेमाल से बनाकर बताऊंगी। आज हम जो काजू कतली बनाने वाले हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पर 20 काजू लिए हैं और उसके साथ ही मैंने एक कटोरी पीनट यानी कि मूंगफली के दाने, दो बड़े चम्मच मिल्क पाउडर और आधा कटोरी शक्कर लिया है। इन सब चीजों का इस्तेमाल करके ही आज हम काजू कतली बनाएंगे। यहाँ पर जो मैंने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, उसे आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये काजू कतली बनाने का एक मेन इंग्रेडिएंट्स है और इसका इस्तेमाल करके जब हम काजू कतली बनाएंगे तो ये पता ही नहीं चल पाएगा कि मैंने इसे काजू से नहीं बल्कि काजू और मूंगफली के दाने को मिलाकर बनाया है। अब हमें इन मूंगफली के दानों को लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसे रोस्ट करते हुए मुझे पूरे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसका स्किन कितनी अच्छी तरह से निकलना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये अब पूरी तरह से तैयार है और अब हम इसके फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम इस काजू को भी 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जो काजू है वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है तो हमें पाउडर बनाने में बहुत तकलीफ हो जाता है। इसलिए अगर हम इसे 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे तो फिर हमें पाउडर बनाने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हमारे ये जो दाने हैं पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं और अब हम इसके जो स्किन है उसको अच्छी तरह से निकाल लेंगे। मैंने इसे अच्छी तरह से साफ कर लिए हैं। आप भी देख लीजिएगा कि साफ करने के बाद में इसमें कोई भी दाना खराब ना हो। अगर एक भी दाना खराब होगा तो काजू कतली का जो स्वाद है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अब हमें इन दोनों का पाउडर बना लेना है। ग्राइंडर में ग्राइंड करते समय आपको इस बात को याद रखना है कि आपको इसे एक साथ कंटिन्यूअसली नहीं चलाना है, बल्कि एक बार चलाकर तुरंत इसे बंद करना है। इसी प्रोसेस के साथ ही आप करते जाइएगा, नहीं तो जो काजू का ऑयल है वो छूटने लग जाता है। अब हमने जो पाउडर बनाया है इसे हम अच्छी तरह से छलनी से छान लेंगे। इसे हमने अच्छी तरह से छान लिया। आप देख सकते हैं कि इसमें इतना सा दाना बचा हुआ है। अब हम इसे अलग कर लेंगे। अब हम एक तार की चाशनी बना लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कटोरी शक्कर और 1/4 कटोरी पानी लिया है। चाशनी को बनाते हुए मुझे पूरे 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि एक तार की चाशनी बनी है या नहीं। अब हमारी एक तार की चाशनी बन चुकी है। अब हम सबसे पहले इसमें मिल्क पाउडर मिलाएंगे और हम उसे थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े, और इसे हम एकदम धीमी आंच पर ही रखकर पकाएंगे। पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें काजू और मूंगफली के पाउडर को धीरे धीरे डालकर मिलाएंगे। इसे भी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और अच्छे तरह से मिक्स करना है, नहीं तो इसमें भी लम्स पड़ जाएंगे। ये हमारा डो पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसमें थोड़े से अच्छे टेस्ट के लिए 2-4 बूंद हम इसमें गुलाब का जल डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसे बनाने में मैंने एक ड्रॉप भी घी का इस्तेमाल नहीं किया है। और इसको चेक करने के लिए कि ये पूरी तरह से तैयार है कि नहीं, अब हम इसका एक छोटा सा पोर्शन लेकर देखेंगे। अगर ये इस तरह से शेप में आ जाता है तो फिर हम इसको अच्छे से उतार लेंगे। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का सीट लिया है और इसे हम घी से ग्रीस कर लेंगे और इसके ऊपर काजू और पीनट का जो हमने
डो तैयार करके बन रखा है उसे हम इसमें रख लेंगे, फिर हम इसे प्लास्टिक की सहायता से बेल लेंगे। हमें प्लास्टिक की सहायता से इसी प्रकार बेलना है और आप देख सकते हैं कि इसका थिकनेस मैंने कितना रखा है, इतना ही हमें रखना है। अब हम इसे बर्फी के शेप में काट लेंगे। आप इस काजू कतली को डेकोरेट करने के लिए चांदी के वर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास अभी चांदी के वर्क है नहीं, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। वीडियोग्राफी बाय खुशी गांगुली एंड एडिटिंग बाय अनिमेश गांगुली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।